Dear students, welcome to all of you in the sixth lecture of mine. I am Dr. Vibha Sharma, Associate Professor, Government Law College, Ajmer. आज हम लोग डायरेक्ट सर्कमस्टांशियल और हियरसी एविडेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष, परिस्थितिजन्य और अनुश्रुत साक्ष्य क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इस स्लाइड में एक पाई का उपयोग किया है और उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, ये दोनों पाई के जो पार्ट्स हैं, ये पास पास ही हैं। और हियरसे एविडेंस यानी अनुश्रुत साक्ष्य का जो पार्ट है वो थोड़ा अलग है। इसको इस तरह से प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि आप लोग एक बार में ही यह समझ सकें कि डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस न्यायालय में एडमिसिबल होते हैं, जिस तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट में बतलाया गया है उन नियमों की पालना करने के बाद। हियरसे एविडेंस साधारणतया एविडेंस के तौर पे न्यायालयों के द्वारा ग्राह्य यानी एडमिसिबल नहीं माना गया है। यह स्थिति केवल भारत में ही हो ऐसा नहीं है, अपितु अन्य जितने भी देश हैं उनमें साधारणतया हियरसे एविडेंस को ग्राह्य यानी एडमिसिबल नहीं माना जाता है। तो क्या होते हैं ये और हियरसे एविडेंस को ऐसा क्यों नहीं माना जाता कि उसे ग्राह्य किया जा सकता है साधारणतया, ये हम जानेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो डायरेक्ट एविडेंस यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या होता है? द एविडेंस विच ए विटनेस हैज एक्सपीरियंस्ड थ्रू हिज और हर ओन सेंसेस, ऐसा साक्ष्य जिसे साक्षी ने अपनी स्वयं की इंद्रिय द्वारा अनुभव किया हो। तो जब ऐसा व्यक्ति जिसने किसी तथ्य को अपने ही सामने देखा है, सुना है या उसके बारे में जाना है, यानी अपनी जो पांच इंद्रियां हैं उनसे उसका अनुभव किया है, वह व्यक्ति स्वयं ही जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है और उसके संबंध में कोई कथन देता है तो वह प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। उसे कहा जाएगा साक्षियों के द्वारा दिया गया डायरेक्ट एविडेंस। उसके बाद में वस्तुओं के द्वारा भी प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। कैसे कि मान लीजिए कोई भी घटना हुई और उस घटना के घटने में एक वस्तु का इस्तेमाल हुआ, उस वस्तु को जब स्वयं को ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो वह भी डायरेक्ट एविडेंस की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से दस्तावेज भी, मान लीजिए किसी दस्तावेज के ऊपर विवाद है, तब ऐसे में कोई तथ्य साबित करने के लिए जब उस दस्तावेज स्वयं को ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो वह डायरेक्ट एविडेंस होता है। यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट एविडेंस के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी परिस्थिति को घटते हुए भी देखा हो, कोई सर्कमस्टांस उसके सामने उत्पन्न हुआ है और उसने स्वयं ने उसको देखा है या सुना है या उसके बारे में जाना है, तो वह भी डायरेक्ट एविडेंस के अंतर्गत ही आएगा। तो ऐसा साक्षी जिसने किसी परिस्थितियों के बारे में कुछ अपनी स्वयं की इंद्रियों द्वारा अनुभव किया है, वह भी डायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में ही आएगा। So now we come to circumstantial evidence, यानी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य। तो ये क्या होते हैं? Information dealing with related surroundings or circumstances, संबंधित परिवेश तथा परिस्थितियों से संबंधित जानकारी देने वाले साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। अर्थात किसी घटना की कोई परिस्थिति है और उस परिस्थिति से संबंधित कोई साक्ष्य जब दिया जाए। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी की हत्या एक छुरे से की, छुरा उसने घोंप दिया बी को और फिर वो बी को मारने के बाद में तेजी से बाहर की ओर भागा और अपने इस रक्त रंजित चाकू को उसने एक कपड़े से पोंछा और फिर वो कपड़ा वहीं कहीं झाड़ियों में फेंक दिया। ए भागते हुए रक्त रंजित चाकू को कपड़े से पोंछ रहा था
और उसने उसे वही झाड़ियों में फेंक दिया। इस परिस्थिति को सी ने देखा। अब सी जब न्यायालय में जाके साक्ष्य देगा तो उसका साक्ष्य तो डायरेक्ट ही है, क्योंकि उसने इस परिस्थिति को घटते हुए अपनी आंखों से ही देखा था, अपनी इंद्रिय के द्वारा अनुभव किया था। किंतु वह इस बात का साक्ष्य तो नहीं दे सकेगा कि ए ने ही बी की हत्या की है, परंतु इस बात का साक्ष्य दे सकेगा कि ए को उसने ऐसे बाहर भागते हुए देखा और उसने रक्त रंजित चाकू जो उसके हाथ में था उसे कपड़े से पोंछ करके कपड़े को वहीं फेंकते हुए भी देखा। तो कई बार न्यायालयों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां आती हैं जबकि विवादक तथ्य के संबंध में उनके पास में कोई भी प्रत्यक्ष साक्षी यानी कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, लेकिन सर्कमस्टांसेस के संबंध में यानी कि रेलेवेंट फैक्ट्स सुसंगत तथ्यों के संबंध में, जिन्हें हम इंडियन एविडेंस एक्ट जब आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में और जानेंगे, तो उनके संबंध में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य उपलब्ध होता है यानी डायरेक्ट एविडेंस उपलब्ध होता है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, तो ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए न्यायालय के द्वारा, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे केसेस में लगातार कुछ कसौटियों को कहा है और इन कसौटियों को अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में कहा है। तो क्या है ये, आइए एक एक करके देख लेते हैं। इन केसेस वेयर देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस एंड द डिसीजन हैज टू रेस्ट ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस, द सुप्रीम कोर्ट इन अ सीरीज ऑफ डिसीजंस हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट सच एविडेंस मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टेस्ट्स। ऐसे मामलों में जहां कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो और पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर विनिश्चय करना पड़े, तो उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में लगातार ये अभी निर्धारित किया है कि ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित कसौटियों को संतुष्ट करना होगा। सबसे पहला, द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच एन इन्फरेंस ऑफ गिल्ट इज सॉट टू बी ड्रॉन मस्ट बी कोजेंटली एंड फर्मली एस्टेब्लिश। जिन परिस्थितियों से दोषिता के बारे में निष्कर्ष निकाला जाना हो उन्हें विश्वस्त रूप से और दृढ़ता से साबित किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये कसौटियां उच्चतम न्यायालय ने इसलिए दी क्योंकि फैक्ट्स एंड इश्यू के संबंध में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं उपलब्ध है। हालांकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी कि रेलेवेंट फैक्ट्स के संबंध में डायरेक्ट एविडेंस मौजूद है, तो ऐसे में न्यायालय को जब निर्णय करना हो तब उसे ये कसौटियां ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला तो यही कि जब दोषिता के बारे में निष्कर्ष निकाला जाना हो तो उन्हें विश्वस्त रूप से और दृढ़ता से साबित किया जाना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा टेस्ट जो न्यायालय ने बतलाया वह है, Those circumstances should be of a definite tendency, unerringly pointing towards the guilt of the accused. उन परिस्थितियों की अभियुक्त की दोषिता की ओर इंगित करने की निश्चित प्रवृत्ति होनी चाहिए। The circumstances taken cumulatively should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probability the crime was committed by the accused and none else. यदि उन परिस्थितियों को संयुक्ततः लिया जाए तो उनकी ऐसी पूर्ण श्रृंखला बन जाए कि इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़े कि तमाम मानव अधिसंभाव्यताओं को ध्यान में लेते हुए अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया था तथा किसी और के द्वारा नहीं। एंड
and the circumstantial evidence in order to sustain conviction must be complete and incapable of explanation on any other hypothesis than that of the guilt of the accused, and such evidence should not only be consistent with the guilt of the accused, but should be inconsistent with his innocence. दोष सिद्धि को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पूर्ण हो और अभियुक्त की दोषिता के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना से उसका स्पष्टीकरण न हो सके, और ऐसा साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता से केवल सुसंगत ही न हो बल्कि उसकी निर्दोषिता से असंगत भी हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अशोक कुमार के केस में ये जो चार कसौटियां दी गई हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग आज के इस वीडियो के लास्ट एस्पेक्ट पे आते हैं, हियरसे एविडेंस यानी कि अनुचित साक्ष्य। तो ये होता क्या है? एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय ए पर्सन विद द हेल्प ऑफ अदर्स एंड नॉट थ्रू हिज और हर ओन सेंसेस इज हियरसे एविडेंस। जानकारी जो किसी व्यक्ति को दूसरे की सहायता से प्राप्त हुई हो, उसकी स्वयं की इंद्रियों से नहीं, वह अनुश्रुत साक्ष्य है। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस नॉट बेस्ड ऑन हर और हिज पर्सनल नॉलेज बट ऑन व्हाट शी और ही हैज हर्ड फ्रॉम अदर्स। साक्षी का कथन जो कि उसकी स्वयं की जानकारी पर आधारित नहीं है बल्कि किसी अन्य से सुनी हुई बात पर आधारित है, यानी कि सुनी सुनाई बात पर आधारित है, इसे हम अनुश्रुत साक्ष्य कहते हैं। आप देखेंगे कि ये जो अनुश्रुत साक्ष्य है यानी हियरसे एविडेंस, ये एक तरह से डायरेक्ट एविडेंस का एकदम ही विपरीत यानी कि अपोजिट है। डायरेक्ट एविडेंस में व्यक्ति को स्वयं की इंद्रियों से किसी बात की जानकारी हुई होती है या अनुभव हुआ होता है ना? और अनुश्रुत साक्ष्य के अंतर्गत व्यक्ति को स्वयं की जानकारी नहीं है किसी बात के बारे में, बल्कि उसे जो भी जानकारी प्राप्त है वह किसी अन्य से सुनी हुई बात पर आधारित है। तो ऐसी जानकारी या ऐसी जो बात है उसको न्यायालय साधारणतया साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं करते हैं। सच एविडेंसेस आर जनरली नॉट एडमिसिबल बाय द कोर्ट्स। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब कोई साक्षी न्यायालय में आकर के अपनी बात कहता है जो उसके स्वयं की जानकारी पर आधारित नहीं होती है बल्कि किसी सुनी सुनाई बात पर आधारित होती है, तो ऐसे व्यक्ति की प्रति परीक्षा करना बहुत ही कठिन हो जाता है। प्रति परीक्षा यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन। जब भी न्यायालय में सत्यता की जांच करनी हो तो उसकी पुख्ता जांच प्रति परीक्षा द्वारा ही संभव हो पाती है, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा। और ऐसी परिस्थिति में जबकि साक्षी ने स्वयं की जानकारी पे कोई कथन नहीं दिया है बल्कि किसी अन्य के द्वारा जो उसे सूचना प्राप्त हुई है सुनी सुनाई बात पर कथन दिया है, तो ऐसे में यह कहकर के बड़े आराम से बच जाता है कि मुझे इसकी सत्यता के बारे में जानकारी नहीं है, यह तो मैंने किसी अन्य से सुना था, मुझे क्या पता कि यह जानकारी सही है या गलत है ना? तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना संभव नहीं हो पाता है। दूसरे यह भी कि व्यक्ति जब न्यायालय में आकर के इस प्रकार से कथन देता है सुनी सुनाई बात पर, तो उस कथन के प्रति वह जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा रहा है और वहां पर कोई कथन देता है, यदि वह कथन उसकी स्वयं की जानकारी पर आधारित होती है तो वह ऐसे कथन पर अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करता है। यानी कि उसे ये लग सकता है कि अगर मैं कोर्ट में जाकर के झूठ बोलूंगा, गलत कथन दूंगा, तो मेरे विरुद्ध भी कोई कार्यवाही चल सकती है। जबकि सुनी सुनाई बात पर यदि उसने कथन दिया है तो वह ऐसे कथन के लिए जिम्मेदारी भी महसूस नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी आसानी से वो ये कह करके बच जाएगा कि मुझे क्या पता था कि यह सत्य है या नहीं है। He doesn't feel responsible towards the statement that he is making in the court.
और इसके अलावा एक बात और वह यह है कि अगर अनुश्रुत साक्ष्यों को न्यायालयों के द्वारा ग्राह्य किया जाता रहा तो ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया जो कि वैसे ही बहुत लंबी होती है और भी लंबी होती चली जाएगी। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट्स हैं वो हियर्से एविडेंस को जनरली एडमिसिबल नहीं मानते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो आइए अब उन परिस्थितियों को देख लेते हैं जहां पर कि अनुचित साक्ष्य यानी कि हियर्से एविडेंस को एडमिसिबल माना जाता है। तो अब हम आते हैं हियर्से एविडेंस के एक्सेप्शंस पर, यानी अनुश्रुत साक्ष्य के अपवादों पर। ये सारे ही अपवाद जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के बाकी के सेक्शंस पढ़ेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएंगे कि यहाँ अपवाद स्वरूप अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य क्यों किया जा सकता है। पहला अपवाद है रेस रेस्टे, धारा 6 यानी सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सिद्धांत दिया हुआ है। उसके बाद एडमिशंस एंड कन्फेशंस यानी स्वीकृतियां तथा संस्वीकृतियां, स्टेटमेंट्स रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32 धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत कथन, स्टेटमेंट्स इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स लोक दस्तावेजों के कथन, एविडेंस इन फॉर्मर प्रोसीडिंग्स पूर्व की प्रक्रियाओं के साक्ष्य और ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स इन ट्रिटाइजेस पुस्तकों में अभिव्यक्त विशेषज्ञों की राय। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें हियर्से एविडेंस को न्यायालय एडमिसिबल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने तीन बातें जानी। पहला, डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है। दूसरा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने क्या टेस्ट्स बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखें। और उसके बाद में हियर्से एविडेंस, और हियर्से एविडेंस को कोर्ट्स साधारणतया एडमिसिबल क्यों नहीं मानते और किन परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप इनको एडमिसिबल माना जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर के बाद में जरूर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रूफ्ड नॉट प्रूफ्ड एंड डिसप्रूव्ड के बारे में, यानी साबित ना साबित और साबित नहीं हुआ के संबंध में। आप लोगों को ये तो पता ही है कि आप लोगों की परीक्षाएं होंगी ही, इसलिए आप लोग खूब अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हम लोगों को जरूर संपर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।